मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वैसे तो 11:30 हो गए, लेकिन अभी मुझे उर्वी को नहलाना है, तो मैं उसके नहाने की जो तैयारियां हैं वो करती हूँ। कपड़े मैंने उसके रख दिए हैं, आग मैंने जला दी है और उसका टब नहाने के लिए रख देती हूँ। ये रहा उसका साबुन और ये रहा उर्वी का टॉवल। इसको मैं फिलहाल अभी यहीं रख देती हूँ। हाँ, ये उर्वी के छोटे छोटे क्रॉक्स। तो मैंने जो है आदित्य के कपड़े भी निकाल दिए नहाने के लिए। मुझे कमेंट आया था कि आपकी ये जो कर्टन्स है इन्हें हमें क्लोज दिखाना, तो ये देखो हर रूम में जो कर्टन लगे वो अलग कलर के हैं और सबका कपड़ा अलग है। लिए हमने एक ही शॉप से और लेकिन कपड़ा सबका अलग अलग है। तो ये सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो खैर मैंने लोकल मार्केट से लिए हैं। लेकिन इसी तरीके के कर्टन्स अगर आप भी लेना चाहते हैं अपने घर को और सुंदर बनाने के लिए, अपने घर को सजाने के लिए, तो आप इसी तरीके का कर्टन, इससे भी और ज़्यादा खूबसूरत जो कर्टन्स है वो मेरे लिंक से बाय कर सकते हैं। मेरा जो लिंक है वो बुलबुल ऐप से कनेक्टेड है। मेरा लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वहीं से डायरेक्ट जो है आप बुलबुल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग का जो फ़ायदा है वो आप भी उठा सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई ऑनलाइन शॉपिंग की बात। इसके बाद बात करते हैं कि आज करना क्या है। बहुत सारे काम है। वैसे तो ट्यूसडे कपड़े आज बिल्कुल भी धुलने वाले नहीं हैं, लेकिन जो कपड़े मुझे यहाँ इधर उधर फैले हुए नज़र आ रहे हैं उनको मैं वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, क्योंकि कल वेडनेसडे, तो कल जो है कपड़े धुलने ही हैं। आज ट्यूसडे को नहीं धुलेंगे। तो आजकल बच्चों के कपड़े ना बहुत फैल जाते हैं इधर उधर, कोई एक सॉक्स मिलती नहीं मिलती। मेरे साथ ऐसे ही होता है और इस बात के लिए मुझे बहुत सुनाया भी जाता है कि तू अपने बच्चों को कपड़े संभाल के नहीं रखती है। तो चलो मैं उर्वी को लेके आती हूँ बाहर। पापा के साथ खेल रही है और ये चूल्हे में आग जल गई है। ये नीचे उर्वी के कपड़े और वो वाले आदित्य के कपड़े। अच्छा, मैं ऐसे भी तो दिखा सकती हूँ कैमरा में, कैसे करके ऐसे। हाँ, ये आदित्य के कपड़े और ये उर्वी के कपड़े। चलो चलते हैं बाहर। तो मौसम कभी खुल रहा है कभी ख़राब हो रहा है, ऐसा ही चल रहा है। और मम्मी अभी मटरों को उखाड़ना शुरू कर रहे हैं क्योंकि खेत खाली करना पड़ेगा वैसे भी हमें शादी के लिए। तो ये मेथी बहुत अच्छी लगने वाली थी हमारी, लेकिन नहीं हो पाएगी क्योंकि शादी तक ये पक ही नहीं पाएगी। मौसम भी वैसे ही पहले ही ठंडा है, तो मेथी को पकने का केड़ा लग रहा लगने अपनी मेहनत पर पानी फेरते हुए। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा, मटर भी चुग करे दस रहा अपना कंगारू गोद। और ये रही उर्वी, इसको मैं अब नहलाऊंगी। और ये रही राशि, राशि द बांदरी। और ये देखो, ये पिछले सीजन के आलू कुछ खेत में रह ही जाते हैं, तो अभी ये भी निकल गए। एक सब्जी अरे आलू तो निकल ही गए तो सारे लगे रहे निकले वो भी। हाँ, शाम का टाइम हो गया 4:15 और फिर से बारिश हो गई। मैं तो ऐसी नींद सोई कि मुझे कुछ पता नहीं चला। अचानक से जब टीन के ऊपर थोड़ी सी आवाज़ आई बारिश की, तो मुझे याद आया कि बाहर इतने सारे कपड़े पड़े। बल्कि मुझे मम्मी ने बोला था कि उठ के जल्दी से कपड़े उठा लियो, तो फिर मुझे कुछ पता ही नहीं चला तो मैं कैसे उठाती कपड़े। पर थैंक गॉड पापा ने उठा दिए थे तब तक। बहुत ज़्यादा ठंड और फिर से बारिश शुरू हो गई, पता नहीं अब। ये देख, कपड़े उठा के पापा ने यहाँ फेंक दिए। अब पापा गए हैं लकड़ियाँ लाने के लिए, क्योंकि बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं चूल्हे के पास। लेकिन बारिश फिर से, तेज़ बारिश शुरू हो गई है। गुड इवनिंग, क्या ले रहे हो वहाँ से? अच्छा, इसको भी दो, मनन को भी। शाम के, अरे अलमारी गिर जाएगी, आराम से करो तुम लोग, क्या हो क्या रहा है? शाम के 6:00 बच्चों ने दिमाग खाली कर दिया है और 6:30 हो गए। और मैं बना रही हूँ वहाँ पे आलू मटर। अपने घर की आलू है और अपने घर की मटर है,
आज आलू मटर बनेगा और ये रहे यहाँ पे आलू मटर कटे हुए और चूल्हे पे लग रहा है तड़का और उस कुकर में है साग जो कि सुबह के लिए पक रहा है क्योंकि कल हमारा किचन का जो पेंट है तो पेंटर आने वाले हैं किचन का पेंट बाकी बचा है तो इसीलिए जो है हम साग अभी शाम को बना के रख देंगे सिर्फ उसको तड़का सुबह लगेगा क्योंकि सुबह खाना या तो बाहर बनेगा या फिर सुबह 9 बजे से पहले बना के रखना पड़ेगा देखते हैं सुबह क्या क्या होता है गुड मॉर्निंग चल चल अब इसको क्यों ले आई इधर ये इधर आप बोले आप चलो तो चल पार ठीक है गुड मॉर्निंग चलो आ रही है मम्मी किसकी एनिवर्सरी है नानू नन्नी की है मेरी थोड़ी है इसको रख के आओ वहीं पे अब क्या बोल रहा था गुड मॉर्निंग तो सुबह का हां जी यहाँ पे जो है थोड़ी सी धूप निकली है 26 जनवरी की सुबह है अभी थोड़ी धूप निकल गई है मौसम बीच में कभी ख़राब हो रहा है कभी ठीक हो रहा है लेकिन अभी धूप निकली तो सोचा कि चलो गाय को जो है बाहर निकाल देते हैं तो इनको भी थोड़ा सा धूप अंदर ही अंदर ये भी परेशान हो जाती है तो ये वाली जो गाय है हमारी ये 2-3 दिन से थोड़ी परेशान है क्योंकि ये ना इसकी डिलीवरी होने वाली है तो बस हम अभी इंतज़ार में ये कि कब कुछ गुड न्यूज़ आए और शादी से पहले अगर हो जाए तो फिर मम्मी भी टाइमली फ्री हो जाएंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है जैसे इंसान के बच्चे पालने मुश्किल होते हैं वैसे पशुओं के भी वैसे ही होते हैं तो
घर का जो सारा सामान है वो आप देख सकते हैं इस तरीके से फैला पड़ा है, क्योंकि किचन में जो है पेंट हो रहा है, तो सारे किचन के बर्तन वर्तन सब कुछ इस कमरे में, कुछ सामान बाहर, क्योंकि बाथरूम और टॉयलेट जो हमारा बाहर बना है वहाँ पे भी पेंट होगा। तो मम्मी ने सारा सामान जो है बाहर निकाला है, और ये सारा सामान जो जहाँ पर हम गाय बांधते हैं उसके पास जो हमने झोंपड़ी सी बना रखी है उसमें रख देंगे, क्योंकि उसको पक्का कर दिया है नीचे से, उसका जो फर्श है वो पक्का कर दिया, तो उसके अंदर भी पानी जाने का कोई सोर्स नहीं है। और यहाँ पर आदित आ गया है अपनी हुडी उतार के कि गंदी हो गई है पेड़ पे चढ़ने से, इसको साफ कर दो, बस बच्चों का यही चला रहता है। अभी का मौसम देखो और अभी थोड़ी देर के बाद मौसम देखो आप। क्या मज़ा आया। मैंने सोचा कि व्लॉग जो है मैंने एंड नहीं किया है, तो व्लॉग का जो एंड है तो वो बर्फ़ के साथ करते हैं। तो ये देखो बर्फ़ भी पड़ रही है और ओले भी पड़ रहे हैं, सब कुछ मिक्स पड़ रहा है। तो ये जो वीडियो है इसको मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हो नेक्स्ट व्लॉग में, और इसकी जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी प्रॉपर वीडियो। बट यहाँ पे आप थोड़ा बहुत हाल देख सकते हो, ये रहा आंगन और ये रही बर्फ। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।